हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परमुटेशन क्रमचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्र देखें, ये परमुटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर r स्थान दिए हुए हैं। तो पहले स्थान पर हमारे पास विकल्प n वस्तुओं का है। दूसरे स्थान पर हम एक, क्योंकि पहले में यूज कर चुके हैं, तो अब हमारे पास विकल्प n माइनस वन वस्तुओं का रहेगा। तो यहाँ पर n माइनस वस्तुएं आ सकती हैं, यहाँ पर n माइनस टू, और इसी तरह से लास्ट में n माइनस आर प्लस वन यहाँ तक आएगा। तो इन n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर क्रमचयों की संख्या का मान जो होगा आपका, ये वाला नोट कर लीजिए, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन। तो ये आपका मेथड हो गया। अब हम फैक्टोरियल पर देखते हैं। फैक्टोरियल क्रम गुणित, क्रम गुणित इसको हम फैक्टोरियल भी कहते हैं। तो इसमें फैक्टोरियल वन का मान होगा वन, फैक्टोरियल टू इक्वल टू होगा वन इंटू टू इक्वल टू, फैक्टोरियल थ्री इक्वल होगा थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल सिक्स, फैक्टोरियल फोर फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कितना हो जाएगा, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर। क्लियर। इसी तरह से आप फैक्टोरियल जिस संख्या का निकालना हो आप उस संख्या का और उससे एक संख्या घटा करके नेक्स्ट संख्या को मल्टीप्लाई करते जाएंगे अप टू वन तक। तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही उसका फैक्टोरियल होगा। क्लियर। अब हम अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब हम प्रश्नावली 7.2 को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, फैक्टोरियल 8 फाइंड करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फैक्टोरियल 8 इसका मान होगा 8 इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो हम इनको सबको मल्टीप्लाई करके जो भी मान आता है आप यहां रख देंगे, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 इसको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, इसमें से फैक्टोरियल 3 कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो 3 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना होता है 3 इंटू टू इंटू वन, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू टू 18, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो आप 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 8 कितना होगा 8 इंटू सेवन इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू टू, तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से 8 कैंसिल होगा 4, 4 इंटू सेवन कितना होगा 28, यह आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमको x का मान ज्ञात करना है, तो आप थोड़ा इसको सरल करिए। यहाँ मान दिया हुआ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो यहाँ हम देखते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन निकालेंगे अपन, यहाँ हो जाएगा 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इक्वल एक्स अपॉन
एट इंटू सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स। इसको अब और सिंपल करेंगे तो यहाँ पर वन अपॉन फैक्टोरियल सिक्स कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचेगा वन प्लस वन अपॉन सेवन इक्वल एक्स अपॉन एट इंटू सेवन फिफ्टी सिक्स इंटू फैक्टोरियल सिक्स। अब यह फैक्टोरियल सिक्स और फैक्टोरियल सिक्स कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा सेवन प्लस वन एट अपॉन सेवन इक्वल एक्स अपॉन फिफ्टी सिक्स। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एट इंटू फिफ्टी सिक्स अपॉन सेवन, सेवन से फिफ्टी सिक्स को डिवाइड करेंगे एट, और एट इंटू एट कितना होता है सिक्सटी फोर। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका सिक्सटी फोर, ये आपका आंसर है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको यहाँ पर हुआ है तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट या फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, n की वैल्यू दी हुई है सिक्स और r की वैल्यू दी हुई है टू, सिक्स माइनस टू, यह आ जाएगा आपका फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल फोर। तो इसको सॉल्व करिए तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फोर और फैक्टोरियल फोर कैंसिल हो गया, कितना आ गया थर्टी, यह आपका आंसर। इसी प्रकार से आप सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाले में कितना एन कितना है नाइन अपॉन नाइन माइनस फाइव, इसको आप सॉल्व करेंगे जैसा मैंने फर्स्ट किया वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।